तो दर्शकों, हमारे जो प्रोग्राम है बड़ी सफलता के साथ में आगे बढ़ रहा है। इसी के बीच में हमारे साथ में एक नई शख्सियत जुड़ी है, जुबेर गोपलानी साहब, जो वडोदरा के एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में उनके क्या अभिप्राय हैं। हमारे साथ बड़ोड़ा के जो समाज सेवी जुबेर भाई गोपलानी हैं, उनसे हम सब इस जो कैंप के बारे में आज बात करना चाहेंगे। वो यहाँ आए हुए हैं, उनको कैसा लगा? जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी के तरफ से। और आप यहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं, आप क्या कहेंगे? एक बेहतरीन मिसाल है कि यहाँ पर दीन और दुनिया दोनों साथ में लेके चला जाता है। जहाँ लोगों को दुनिया की तालीम मिलती है, जहाँ लोगों को दुनिया के बारे में बताया जाता है, उसके साथ साथ लोगों को दीन की तालीम भी दी जाती है, या ये कहूँ कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम का भी इंतज़ाम है। ब्लड डोनेशन कैंप है और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तकरीबन 170 ब्लड डोनेट हुए हैं, ब्लड के यूनिट्स डोनेट हुए हैं। वहाँ पर ऊपर इनका जो लीगल डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोक अदालत है ब्लड, और इसके अलावा मेडिकल कैंप भी है। तो समझ में ये आता है कि एक ही छत के नीचे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई के काम हो रहे हैं। मैं मोहतरम बाबा साहब को, मुश्ताक अली बाबा साहब को, वाहिद अली बाबा साहब को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ये जिस तरीके से नौजवानों की पूरी टीम लगी हुई है, अपने आप में एक मिसाल है। और ये मॉडल जो है दीन और दुनिया को साथ में लेके चलने का, ये हर जगह पर ये रिपीट होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। जी, खास करके अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट आया हुआ है ओमिक्रॉन, उसके चलते लोगों में चिंता का जो माहौल बना हुआ है, और ख़ास करके जो 60 प्लस के लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज की बात की जा रही है, बच्चों के लिए वैक्सीन आया है, तो आप लोगों के अंदर जो उसकी जागरूकता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 साल से बहुत सारी गाइडलाइंस बता कर रखी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लिया है वो वैक्सीनेशन उनको ले लेना चाहिए, और उसके अलावा अभी भी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, तो इसके लिए हमें उन तमाम चीज़ों से एहतियात करना है जिनसे मना किया गया है, और उन तमाम चीज़ों पर अमल करना है जिसका हुक्म दिया गया है। अगर बूस्टर डोज लेने की बात है बच्चों को, जो नौजवान लड़कों को, 8, 9, 10, 11 के बच्चों को जो वैक्सीनेशन की बात है, मैं समझता हूँ हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, और वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें कहीं पर किसी के फ़ायदे नुकसान की या किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, तो हम सबको मिलजुल के इसका काम करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ बातचीत की। तो दर्शकों, वक्त का हर एक क्षण कीमती होता है और रक्त का हर एक कण कीमती होता है। इसी कड़ी को बड़ी मजबूती के साथ में लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर पुरवार किया। 30वें ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर 217 यूनिट ब्लड दिया गया। 70वां जो मेडिकल कैंप रखा गया था उसके अंदर 151 मेडिकल चेकअप किए गए। इसमें हर मरीज को मेडिसिन धीरज हॉस्पिटल की तरफ से मुफ्त में दी गई। और APJ सेंटर द्वारा आयोजित 45वां जो सरकार मान्य लीगल क्लिनिक कैंप रखा गया था उसके अंदर 7 केस दर्ज किए गए और उसके अंदर उनकी सारी समस्याओं को सुना गया। तो दर्शकों, आप सबके सहकार से और इन नामांकित हस्तियों के साथ में हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल दोबारा फिर मिलेंगे दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए जी6 न्यूज़।